तो हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए हमारे जवानों के बीच पहुंचे हैं और गुजरात के कच्छ में इस बार उन्होंने जवानों के संग दिवाली मनाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। उन्होंने जवानों के साथ बातचीत भी की, दिवाली पर मिठाइयां खिलाई हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस बार जवानों के साथ कच्छ में दिवाली मनाई है प्रधानमंत्री ने। हर साल की तरह जवानों के साथ दिवाली मनाई, मिठाइयां खिलाई, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं और फिर से ये मैसेज कि अपने जवानों को, अपने सैनिकों को प्रधानमंत्री कभी नहीं भूलते। 2014 से लेकर यह सिलसिला लगातार 2024 तक भी जारी है। 2014 की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15, 16, 17 जब प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंचे जवानों के बीच। 2018 में भी आप देख रहे हैं, मिठाइयां खिलाई थी उन्होंने कुछ इस तरीके से। 2019 में भी तस्वीरें हमने देखी, 2020, 2021, 2022 और 2023 की भी तस्वीर है। हल्के फुल्के अंदाज में जवानों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करना, उनसे मुलाकात करना, उनकी बातों को सुनना और कई बार अलग अलग तरह की तस्वीरें भी हम देखते हैं। और इस बार जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे कच्छ, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें ये देखिए, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, तमाम जो वहाँ पर जवान मौजूद हैं उनके बीच प्रधानमंत्री पहुँचे। और जाहिर है कि जवानों ने भी अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर खुशी महसूस की, दिवाली को सेलिब्रेट किया। ये पर्व जब पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ दिवाली मना रहा है, तो प्रधानमंत्री देश के वीर जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं। और देखिए, भारत चीन में समझौते का असर दिख रहा है। चुशूल मोल्डो सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया, दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। तो ये आज की दो एक्सक्लूसिव और बड़ी तस्वीरें हैं, कच्छ में जवानों के साथ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ जो LAC पर दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, भारत चीन दोस्ती की एक नई तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दिवाली की मिठाइयां दी गई हैं चीन के सैनिकों को भारत की तरफ से, और चीन की तरफ से भी भारत को मिठाइयां दी गई हैं, शुभकामनाएं दी गई हैं। तो एक जो लंबे समय से एक खटास दिखाई दे रही थी, इस समझौते के बाद वो मिठास में बदलती हुई दिखाई दे रही है। और दिवाली की मिठाइयां किस तरह से उनका आदान प्रदान किया गया, तस्वीरें आपके सामने। मेघा प्रसाद हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मेघा, हर साल दिवाली पर 2014 से लेकर और आज तक ये सिलसिला नहीं टूटा है, आज भी प्रधानमंत्री ने उसे बरकरार रखा और जगह चुनी गुजरात का कच्छ। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से ये एक परंपरा कहिए एक तरीके से बन गई है कि हर दिवाली वो हमारे भारतीय जवानों के साथ मनाते हैं अलग अलग जगहों पर। कई बार हमने कई साल देखा है कि जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं वो, और बॉर्डर के आसपास जवानों के साथ, एटलीस्ट आज का दिन, दिवाली का दिन, उनके साथ, उनके उनके साथ खुशियां बांटना, उनके साथ अपना समय देना और उनके साथ रहना। वजह उसकी एक ही है। प्रधानमंत्री जब भी इसके बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि यही हमारे परिवार है, ये हमारे परिवार है, ये एक्चुअली अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। आज के दिन, दिवाली के दिन, त्योहार के दिन, मैं परिवार की तरह उनके साथ उनकी खुशियां बांटने के लिए जाता हूँ, अपना समय उनके साथ व्यतीत करता हूँ। तो इस बार गुजरात में ये थोड़ा डिफरेंट है, इस बार मैं ऐसा कहूंगी, क्योंकि मोस्टली हमने जब कश्मीर में देखा है प्रधानमंत्री को, इस बार उन्होंने कच्छ का बॉर्डर एरिया चुना है और वहां जवानों के साथ त्योहार, ये दिवाली का त्योहार मना रहे। वैसे भी प्रधानमंत्री आज गुजरात में थे, सुबह उनकी फंक्शन थी केवड़िया में और बड़ौदा से फिर वो कच्छ का रुख किया है उन्होंने। तो आज का दिन गुजरात में जवानों के साथ जो तैनात हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों पर ये बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे, दिवाली का पर्व सेलिब्रेट किया है। और अब देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज दिवाली के दिन जब वो पहुंचे थे,
जवानों के बीच बीएसएफ जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाने का फैसला इस बार किया। और देखिए बीएसएफ के जवानों के संग पहुंचे हैं वो, और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं ये देखिए, उनके साथ बातचीत करते हुए, उन्हें मिठाइयां खिलाते हुए, दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हालांकि गुजरात के दौरे पर ही हैं, इससे पहले केवड़िया पहुंचे थे और वहीं से वो कच्छ के बॉर्डर इलाके पर पहुंचे और जो जवान वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ उन्होंने दिवाली का ये त्यौहार मनाया, उनसे बातचीत भी की, उनके काम के बारे में जानकारी ली, उनसे हल्की फुल्की ये जो बातचीत है ये देखिए वो करते हुए वो नजर आए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में जवानों के साथ इस रोशनी के त्योहार को मनाने के लिए पहुंचे थोड़ी देर पहले, उनके साथ समय बिताया, उस इलाके में, उस आसपास के इलाके की क्या कुछ खासियत है, क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां पर जो तमाम ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके साथ उन्होंने बात की है। और हर बार इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, एक मैसेज इसके पीछे साफ होता है कि पीएम मोदी के लिए हर त्योहार तो भारत माता की जय के जयकारों के बीच, जवानों के इस जोश और जज्बे के बीच प्रधानमंत्री ने ये छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो बांटी हैं अपने सैनिकों के साथ। हमारे देश के ये वीर जवान जो अपने घरों से दूर, जो हमेशा हर त्योहार पर अपनी ड्यूटी करना कभी नहीं भूलते, और दुर्गम जगहों पर जहां जीवन बिताना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, वहां आसानी से रहकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, देश की सेवा में 2400 घंटे दिन रात लगे रहते हैं, और उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री हर मुश्किल समय में, हर त्योहार में, हर खुशी के समय में उनके साथ खड़े हैं। और यही आज दिवाली के मौके पर एक बार फिर देखने को मिला, जो परंपरा एक तरीके से इसे कहेंगे 2014 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसे वो आज तक निभाते आ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई राज्य होता है और उसका कोई ना कोई दुर्गम इलाका जहां पर पहुंचते हैं उन जवानों के बीच, उनकी चुनौतियों को समझते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि देश आपके साथ है। अगर आप अपना इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, अगर आप अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं आज आपके साथ खड़ा हूं। बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ज्वाइन कराई, छतरपुर से आम आदमी पार्टी बना सकती है उम्मीदवार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवि राजा मुंबई के उपाध्यक्ष बनाए गए, सायन कोलीवाड़ा से टिकट न मिलने से नाराज चल रही थी। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र पर सियासी जंग, बीजेपी का दावा चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी, 2019 में 42 तो 2024 के हलफनामे में 49 साल उम्र बताई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी, पार्टी को नाम दिया आप सबकी आवाज, बताया हरे पीले और नीले रंग का होगा पार्टी का झंडा। गुजरात के सालंगपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कष्टभंजन देव मंदिर में यात्री भवन का उद्घाटन किया, यात्री भवन में बनाए गए हैं 1100 कमरे। एलएसी पर भारत चीन के समझौते का दिख रहा असर, दिवाली पर चुशूल मोल्डो सीमा पर सैनिकों ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात की धरती से पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, कहा आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा, जम्मू कश्मीर ने अलगाववादियों को नकार दिया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने श्रद्धांजलि दी, लौह पुरुष को नमन किया। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन किया गया, पीएम ने एकता का संदेश दिया, लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। केवड़िया में बोले पीएम मोदी, भारत को दुनिया से कनेक्ट कर रही है दीपावली। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा, रोशनी के दिव्य उत्सव पर हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण। पौड़ी गढ़वाल में जवानों के संग दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, कहा हम दिवाली मना रहे हैं क्योंकि हमारे जवान हमारी सुरक्षा में तैनात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई, बॉर्डर पर मनाया दीपावली का त्यौहार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर आर्मी के जवानों ने दिवाली मनाई, मंदिर में पूजा कर दिए जलाए, जवानों ने आतिशबाजी की। दिवाली के त्यौहार को लेकर सजे रायपुर के बाजार, मिट्टी के दीयों और साथ सजावट की दुकानों के बाजार गुलजार हुए, दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़। पटना में दिवाली की तैयारी में जुटे लोग, बाजारों में सजावट का सामान और फूलों की खरीदारी के लिए जुटी भीड़, बाजारों में दिवाली की अलग रौनक। तमिलनाडु में मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार, चेन्नई में आतिशबाजी, कांचीपुरम में जलाए जा रहे हैं पटाखे, दिवाली के जश्न में डूबे लोग। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय भी मना रहा दीपावली का त्यौहार, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने दिवाली पर भगवान श्री राम की आरती उतारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन, हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन, संतों से भी मुलाकात। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला की सीएम आरती उतारी। अयोध्या में सीएम योगी ने दिया दिवाली का उपहार, महिलाओं को सीएम ने बांटे तोहफे, काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। अयोध्या में सीएम योगी दिवाली के मौके पर दीपोत्सव मिलन समारोह में शामिल हुए, सीएम ने लोगों को दी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद घाटों की सफाई का काम जारी, सरयू के घाटों पर चल रहा सफाई अभियान, कल दीपोत्सव में जले थे लाखों। देशभर में मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार, पूरा देश रोशनी से जगमग हुआ, आज शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी की पूजा। दिवाली पर जगमग भगवान राम की नगरी अयोध्या, सरयू घाट पर लाखों की संख्या में चलाए गए दिए, सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। अयोध्या में मनाई जा रही है खास दिवाली, राम मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली, राम की नगरी में हर तरफ उत्साह। दीपोत्सव पर अयोध्या में बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे अधिक लोगों की आरती और तेल के दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। सरयू के तट पर एक साथ जले 25 लाख दिए, सबसे अधिक तेल के दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड, जगमगा उठे सरयू के घाट। अयोध्या के सरयू तट पर बना 1121 लोगों की आरती करने का विश्व रिकॉर्ड, जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति ने आयोजन किया। उज्जैन में भस्म आरती के दौरान महाकाल दरबार में मनाया गया दिवाली का पर्व, दूध दही शहद शक्कर और फलों के रस से कराया गया भगवान को स्नान। दीपावली के मौके पर वाराणसी के बाजार गुलजार, फूलों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, पूजा और सजावट के लिए फूल खरीदते दिखे। दिवाली को देखते हुए तमिलनाडु सरकार सतर्क, चेन्नई में केवल 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत है, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर का निरीक्षण किया। दीपावली पर शिमला में केवल 2 घंटे जलाए जा सकेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने लोगों से प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की। आज रात 10 बजे तक चलेगी दिल्ली मेट्रो, दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर सभी टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे रवाना होगी आखिरी मेट्रो। दिवाली के मौके पर दिल्ली की हवा दूषित, लाल किले और इंडिया गेट पर छाया धुआं, लाल किले पर 304 पहुंचा AQI, इंडिया गेट पर 377 दर्ज किया गया। नोएडा में खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, 285 AQI दर्ज किया गया, दिवाली की सुबह में छाई धुंध की चादर, लोगों से पटाखे न जलाने की अपील। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फैला प्रदूषण, खराब कैटेगरी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, 258 दर्ज किया गया AQI, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। पंजाब के कई इलाकों में जलाई जा रही है पराली, SSP और पुलिस अधिकारियों ने बुझाई किसानों से पराली न जलाने की अपील। पंजाब में सामने आया पराली जलाने का एक और मामला, अमृतसर में जलाई गई पराली, अटारी गांव का है मामला। कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में दौड़ने के दौरान बिगड़ा मुख्यमंत्री नायब सैनिक का बैलेंस, साथ में दौड़ रहे कमांडोज ने संभाला।
एबीपी शिखर सम्मेलन में बोले आदित्य ठाकरे, असली नकली सबको पता है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने एबीपी शिखर सम्मेलन में कहा, सुप्रिया सुले भी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, असली एनसीपी हम ही हैं। जयंत पाटिल के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला, शरद पवार महाराष्ट्र में कुटिल राजनीति के लिए कुख्यात, उनकी ये राजनीति अभी तक जारी। मायन सीट से शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवनकर ने एक्स पर लिखा, अगर बाला साहेब होते तो वो मुझसे मेरे रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने को ना कहते। शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवनकर ने माहिम विधानसभा सीट से जीत का दावा किया, कहा पिछले 30 सालों से मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता आया है, इस बार भी मिलेगा। गुजरात के आनंद में ओएनजीसी की साइट पर आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।